भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर एक सुंदर आयोजन SBS स्टूडियो द्वारा प्रबंधन के सभी भागीदारों को इस बात के लिए साधुवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 हमारे देश का स्वर्णिम दिन रहा, जिस दिन हम भारत के अपने आजाद संविधान के दायरे में बन गए, हमारा देश गणतंत्र हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक इस प्रणाली के तहत, इस प्रावधान के तहत पंचायती, नगर निकाय, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के माध्यम से ये देश संविधान के दायरे में लेकर निरंतर अग्रसर हो रहा है। ये दिन स्कूल विद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय पर्व के नाम से हमारे देश से जोड़ी गई है 15 अगस्त आजादी का, ये दिन आजादी मिली और गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हो। स्कूलों में क्यों उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों की, अपने देश के प्रावधान की जानकारी इस दिन के माध्यम से शेयर कर पाते हैं। साथ ही साथ एक उल्लासपूर्ण माहौल में हम इसको सेलिब्रेट भी कर पाते हैं। बच्चों में भी एक जिज्ञासा होती है, कुछ तैयारियां करवाई जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जाता है और उसको साल में दो बार 15 अगस्त में और 26 जनवरी में उनका प्रदर्शन करके ये देखा जाता है कि क्या प्रतिभा, कितनी आगे, कौन बच्चे कहाँ पहुँच सकते हैं, कितना योगदान दे सकते हैं, किन क्षेत्र में दे सकते हैं। ये सब काम विद्यालय का होता है, अध्यापकों का होता है, गुरुजनों का होता है। तो मैं आज इस मौके पर, हम सभी जानते हैं गणतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण किसी भी देश के लिए है और हमें, हम सौभाग्यशाली हैं, हमें गर्व है इस बात का कि भारत सबसे मजबूत गणतंत्र है दुनिया का और उसी के तहत हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत आज़ाद हैं। हमें बात कहने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की बहुत आज़ादी है, हर प्रकार से हम कर पाते हैं। आज का जो दुरुपयोग भी हो रहा है आज़ादी का, लेकिन वो ठीक नहीं है। संविधान के दायरे में जो प्रावधान है, हर व्यक्ति को, हर दल को, हर समूह को उसी का अनुसरण करते हुए अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इस मौके पर जब बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अंजाम में हैं, बाधित न कहते हुए विद्यालय के प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीनाथ शर्मा जी ने जो प्रस्तुति है उन्हीं के साथ मुझे आने का अवसर मिला, मैं आभारी हूँ। ये दैनिक दिवाली की वरिष्ठ नेता यहाँ विराजमान है, धर्मेंद्र शर्मा जी विराजमान है, बाकी हमारे पार्षद के विराजमान है और सभी गणमान्य व्यक्ति जो भी सरदारी है, माता बहने, इन सबको हम नमन करते हुए, इनका अभिवादन करते हुए इस दिन की पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये विद्यालय अपने शिक्षण की ओर और अपने बच्चों के भविष्य की ओर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अग्रसर होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद भारत।